प्रबंधु हैं ब्राह्मणगण, जो कि पौरोहित के कर्म से ही आज 33 ब्राह्मणों का उदर पोषण वहाँ पे बैठे हैं। देखने में आया कि आपने जनसुनवाई में मंत्रोच्चार का उपयोग किया है। हाँ, महंतों के दबंगई के कारण, उनकी अनियमितताओं के कारण वहाँ पे बहुत सी ऐसी अशांति जैसी स्थिति बनती है महंतों के कारण, तो उसी से त्रासित होकर के हम लोग आज महोदय के पास आए थे। जिलाधीश महोदय को ज्ञापन दिया मंत्रोच्चार के सहित और उनसे विनय किए कि आप आकर के दोनों पक्षों को सुने और हमारी इस संकट से हमें छुटकारा दिलवा दें। जबकि वो सिद्धनाथ मंदिर शासकीय अधिपत्य में, वहाँ की व्यवस्थाएं शासकीय हैं, लेकिन हर धर्मिता के तहत महंत लोग वहाँ का लाखों का चढ़ावा उठा करके अपने निजी हाथों में ले जा रहे हैं। महंत यानी नागा साधुओं की गाड़ी है, लेकिन वहाँ पर गृहस्थ लोग बैठे हुए हैं, सारा परिवार, मामा मौसी भांजी बहन बहनोई तमाम ये लोग वहाँ पर बैठ करके। और क्या आश्वासन मिला कलेक्टर साहब के? हाँ, आने का आश्वासन दिया और बहुत जल्दी आएंगे नियम और